Students, now coming to the next topic, endangered animals. Now, endangered means about to disappear, जो animals disappear हो चुके हैं, है ना, ये जो होने वाले हैं. तो due to indiscriminate hunting, many animals are in danger of becoming extinct. Such animals are called endangered animals. मतलब indiscriminate hunting, मतलब बिना सोचे समझे hunting करने के कारण, insensate बोलते हैं जिसको, बिना सोचे समझे hunting करने के कारण, जो बहुत सारे animals जो हैं वो extinct हो चुके, जो गायब हो चुके, अब हमको देखने को नहीं मिलते. ठीक है, तो they are called as endangered animals. Now elephants are hunted for their tusk. Elephant जो उनके tusk के लिए hunt किए जाते हैं. Snakes, tigers, deer and crocodiles are hunted for their skin. और ये snakes, tigers, deer और crocodiles जो उनके skin के लिए hunt किए जाते हैं. Rhinoceros are killed for their horn and polar bears are killed for their fur. Rhinoceros जो है उनके horn के लिए kill किए जाते हैं एंड पोलार बियर्स जो उनके फर के लिए किल किए जाते हैं. वेल्स आर किल्ड फॉर ऑयल. वेल जो है उसको वो ऑयल के लिए किल किया जाता है. दिस इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग हैज लेड बर्ड्स सच एज द डोडो एंड एनिमल सच एज द टैस्मेनियन टाइगर टू बिकम एक्सटिंक्ट. इसी इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग के कारण, ये जो बिना सोचे समझे वाली जो हंटिंग है, इसके कारण ये बर्ड्स जैसे कि डोडो नाम की जो बर्ड है और टैस्मेनियन टाइगर नाम का जो टाइगर है वो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब हम उसको नहीं देख सकते. मेनी अदर एनिमल्स लाइक टाइगर्स, राइनोसोरस, जायंट पांडा, ब्लू व्हेल, स्नो लेपर्ड, एशियन एलिफेंट्स एंड माउंटेन गोरिल्लास आर इन द लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स. और इसी के कारण ये सारे जो एनिमल्स हैं वो अब इनडेंजर्ड एनिमल्स की लिस्ट में आ चुके हैं. यस, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन. कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट एंड जंगल्स हैव ऑल्सो डिप्राइव द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ देयर ड्वेलिंग प्लेस एंड हंटिंग ग्राउंड. दे ऑल्सो डाई ड्यू टू स्टार्वेशन. कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट एंड जंगल्स का मतलब होता है कि डिफॉरेस्टेशन, इसके कारण बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स है उनका जो रहने का प्लेस है, जो जहाँ पे वो रहते थे, वो सारा प्लेस उनका छूट चुका है जो उनका हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था. नाउ इवन दे आर डाइंग, अब वो मर भी रहे हैं बिकॉज ऑफ स्टारवेशन. स्टारवेशन का मतलब होता है लैक ऑफ फूड, अब उनको कुछ खाने को नहीं मिलता तो इसलिए वो मर भी रहे हैं. ठीक है, नाउ बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट अस सी अ मेजर मैटर ऑफ फैक्ट इज गिवन हियर. बट इट इज गिवन हियर, लेट अस रीड इट. द पैसिफिक वॉलरस इज मेनली फाउंड इन द चकची सी एंड द आर्कटिक बेरिंग. एक पैसिफिक वॉलरस वहाँ पे फाउंड किया गया था इस सी में. चकची इज द नेम ऑफ द सी. इन द ईयर 2010, 200 डेड वॉलरसेस वाज स्पॉटेड ऑन द चकची सी. 2010 में 200 डेड वॉलरस पाए गए थे वहाँ पे. द वॉलरसेस आर अंडर द थ्रेट ऑफ लूजिंग देयर हैबिटेट ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ द आइस, आर्कटिक आइस. अब वो जो वॉलरसेस है वो लगभग जो है एक्सटिंक्ट होने वाले हैं बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग आर्कटिक आइस. वहाँ के आइस के मेल्ट होने के कारण वो अपने हैबिटेट, अपने रहने की जगह जो है खो रहे हैं. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, पोचिंग. पोचिंग का मतलब होता है हंट करना, इलीगल हंट करना. ठीक है, इलीगल हंट करना. इलीगल कन्फाइनमेंट, किलिंग और हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड पोचिंग. इलीगल किलिंग करना, हंटिंग करना, दैट इज कॉल्ड एज अ पोचिंग. मतलब बिना किसी रीजन के उनको मारना. पोचिंग हैड बीन अ रेगुलर प्रैक्टिस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक हॉर्न, टीथ, आइवरी, हाइड एंड बोन वर सोल्ड टू पीपल हु मेक ज्वेलरी. दैट मीन्स पोचिंग जो है एक समय में काफ़ी एक रेगुलर प्रैक्टिस हुआ करता था, लोग डेली करते थे, क्योंकि उस समय एनिमल्स के प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे जैसे कि हॉर्न से, टीथ से, आइवरी. आइवरी मतलब एलिफेंट का जो टूथ टीथ होता है. हाइड एंड बोन्स वर यूज्ड बाय पीपल एंड इट वाज सोल्ड टू पीपल टू मेक ज्वेलरी. उसको बेचते थे लोग ज्वेलरीज बनाने के लिए. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, सी. नाउ इन दिस पेज, ज्वेलरी, गारमेंट्स एंड अदर आर्टिकल्स लाइक बैग्स, वॉलेट्स एक्सेट्रा. दैट मीन्स ये सारे प्रोडक्ट्स सेल करके लोग उसके गारमेंट्स बनाते थे, ज्वेलरीज बनाते थे, दूसरे चीज़ें बनाते थे जैसे कि बैग्स है, वॉलेट, ये सारी चीज़ें बनाए करते थे. ग्रेट फॉर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट
लेड टू रेगुलर पोचिंग। अब जैसे जैसे लोगों ये बिकने लगा मार्केट में, लोगों को प्रॉफिट होने लगा और इसी लालच में लोग क्या करते थे, रेगुलर पोचिंग करते थे, रेगुलर हंटिंग करते थे एनिमल्स का। एज अ रिजल्ट इट लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ वेरियस एनिमल्स। इसी कारण से बहुत सारे एनिमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट होने लगे, गायब होने लगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। द गवर्नमेंट हैज देयरफॉर टेकन वेरियस मेजर्स टू सेव एनिमल्स दैट आर इंडेंजर्ड। गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए थे एनिमल्स को सेव करने के लिए जो इंडेंजर हो रहे, यानी जो गायब हो रहे थे। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑन 1st अप्रैल 1973। पहला प्रोजेक्ट जो था ये स्टार्ट किया गया था 1st अप्रैल को। मेन एम ऑफ द प्रोग्राम वॉज टू प्रिवेंट द किलिंग ऑफ टाइगर्स एंड एंश्योर एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड। ये प्रोजेक्ट का कारण ये था, ये पता करने के लिए कि हमको कितने नंबर ऑफ टाइगर्स इंक्रीज करने हैं वर्ल्ड में, और उनके जो लोग मार देते थे उससे उनको उस पर रोक लगाने के लिए कि टाइगर्स को नहीं मारना है, एंड वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइगर्स, हमको इंक्रीज करना है वर्ल्ड में नंबर ऑफ टाइगर्स का। वेरियस टाइगर रिजर्व्स एंड पार्क्स हैव बीन डेवलप्ड एंड हंटिंग हैज बीन मेड इलीगल। बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स बनाए गए हैं और पार्क्स बनाए गए हैं और हंटिंग को इलीगल बताया गया है। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन कंसीडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड। ये जो प्रोजेक्ट है एक लार्जेस्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है वर्ल्ड का। ठीक, नाउ देर आर वेरियस अदर पार्क्स लाइक द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, द काजीरंगा नेशनल पार्क। सो दीज आर द वेरियस पार्क्स विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वन हॉर्न राइनोसोरस एट द काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ पे वन हॉर्न राइनो का पिक्चर दिया हुआ है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनिटीज दैट डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है, कम्युनिटीज डिपेंड मतलब एक लोगों का ग्रुप था जो एनिमल्स पर डिपेंड थे अपने अर्निंग के लिए। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज गिवन। देयर आर वेरियस कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु आर डिपेंडेंट अपॉन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं पीपल के जो लाइवलीहुड पर डिपेंडेंट है अपने अर्निंग, जो एनिमल्स पर डिपेंडेंट है अपने अर्निंग के लिए। वन ऑफ देम इज द स्नेक चार्मर, उसमें से एक है स्नेक चार्मर जो सपेरा होता है। ठीक है, स्नेक चार्मर यानी सपेरा। दे कीप स्नेक्स एंड ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंटरटेनिंग पीपल। वो एक जगह से दूसरी जगह तक पे स्नेक्स को लेके एंटरटेन करने के लिए घूमते हैं। दे प्ले द फ्लूट और बीन एंड मेक द स्नेक्स डांस टू इट। वो फ्लूट बजाते हैं या फिर बीन बजाते हैं, आपने देखा होगा देखो पिक्चर में कैसे है ना स्नेक्स का को जो है डांस कराया जाता है बीन बजा के। ठीक है, नाउ दे यूजुअली मेक द स्नेक हार्मलेस बाय एक्सट्रैक्टिंग इट्स फैंग्स एंड द पॉइजन सैक। वो क्या करते हैं स्नेक्स को हार्मलेस बनाते हैं, बिकॉज डर है ना अगर वो स्नेक्स को लेके घूमेंगे तो। उनको हार्मलेस बनाने के लिए उनके फैंग्स यानी जो उनके पॉइजनस टीथ होते हैं उसको निकाल देते हैं, और उनका पॉइजन स्नेक सैक जो होता है जहाँ पे जहर रहता है उस पोर्शन को निकाल देते हैं ताकि ये जो स्नेक्स है वो हार्मलेस हो जाए। एज कीपिंग स्नेक्स इज बींग मेड इलीगल, मेनी स्नेक चार्मर्स आर नाउ लीविंग दिस प्रोफेशन। क्योंकि अब सांपों को रखना यानी स्नेक्स को रखना जो इलीगल हो चुका है, गैर कानूनी है, इसीलिए बहुत सारे जो स्नेक चार्मर्स हैं अब इस प्रोफेशन को छोड़ रहे हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सी थ्री स्नेक्स आर देयर एंड थ्री स्नेक चार्मर्स आर देयर यूजिंग बीन है ना फॉर मेकिंग देम डांस फॉर एंटरटेनिंग द पीपल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, सॉरी कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, गुज्जर्स। गुज्जर्स who live in central and western part of the Himalayas are herders of animals like cows and buffalo. So they are the group of people who used to live in central and western part of Himalayas, and उन लोग क्या करते हैं वो cows buffalo को herders मतलब झुंड उनका एक group रखते हैं अपने पास animals का। The women look after the cows and the men sell milk and other dairy products in the market to earn a living. Women they are taking care of the animals at home
and men are going in the market for selling dairy products and milk, and they earn for their family and themselves. Now, the next paragraph, Badaris are people who catch the young ones of monkeys and bears. So you all must have seen Madaris, na? So they are catching young ones of monkeys and bears. Bhalu aur bandar ke chote bachcho ko un log catch karte hain. And the animals are trained to perform various kinds of tricks and dances in order to entertain people. Unko pura train karte hain, dance sikhate hain. Aur phir un log logon ko entertain karwate hain. Unke through, bachcho ke and young ones ke through. This is, however, considered cruel towards animals as the Madaris remove nails and teeth of the young bears. है ना, तो उस समय इसको एक क्रुएलिटी माना जाता है एनिमल्स पे, क्योंकि मदारिस जो होते हैं वो बच्चों के नेल्स, जो यंग वंस एनिमल्स, उनके नेल्स को और उनके टीथ को रिमूव कर देते हैं. ठीक है, तो उनके मतलब एनिमल्स के प्रति जो है एक क्रुएलिटी की भावना है ये. ठीक है, क्रूरता है उनके लिए. नाउ नेक्स्ट, सी व्हाट इज गिवन द नेक्स्ट पेज. महोत्स ट्रेन यंग एलिफेंट्स टू फॉलो देयर कमांड्स. It is because of the elephant that they are able to earn a living. ठीक है, महावत क्या होता है कि जो यंग एलिफेंट्स को ट्रेन करके उनको कमांड करता है ना, उसको बोलते हैं महावत. It is because of the elephant that they are able to earn a living. ठीक है, एलिफेंट्स के कारण ही, मतलब उनको कमांड करते, उनको ट्रेन करते, और उन्हीं के कारण जो है वो अपना रोजी रोटी चलाते, अपना और लिविंग अर्न करते हैं. ठीक है, नाउ एज यू कैन सी इन द पिक्चर महावत इज गिवन, जो एलिफेंट्स को कमांड करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द लेसन. नाउ दिस इज प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल्स. हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल्स. ठीक है, सिंस एंशियंट टाइम्स एनिमल्स हैव प्रोवाइडेड अस विथ फूड, ट्रांसपोर्ट एंड द स्किन फॉर आवर सर्वाइवल. बट humans have subjected animals to much cruelty and have slaughtered them indiscriminately for their meat, fur, oil, teeth, horn and skin. That means ancient times mein animals jo hai humko bahut sari cheeze provide ki, humko food provide ki, humko transport provide ki, even their skin bhi provide ki for our survival. Lekin humans jo hai in animals ko itna zyada cruelty dikhaye hain, itni zyada krurta dikhaye hain inke upar, और उनको मार दिए हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली मारे हैं बिना किसी रीज़न के, बिना सोचे समझे उनको मार दिए, उनके मीट के लिए, उनके फर के लिए, ऑयल के लिए, टीथ, हॉर एंड स्किन की, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके नीड्स जो है इनको फुलफिल करने के लिए उन्होंने एनिमल्स को बिना सोचे समझे मार दिया. पीपल हु कीप पेट्स ऑफन बीट देयर पेट्स इफ़ देयर ऑर्डर्स आर नॉट कैरिड आउट. जो लोग घर पे पालतू जानवर रखते हैं वो भी उनको बहुत मारते हैं अगर वो उनकी बात नहीं सुनते हैं तो. वाइल्ड एनिमल्स फील सफोकेटेड इन इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट लाइक द सर्कस वेयर दे आर ट्रैप्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ एनिमल्स. जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में, बंद जगह में, बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील करते हैं, अनईजी फील करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, है ना. जैसे कि सर्कस में आपने देखा है कि एनिमल्स को ट्रैप किया जाता है ह्यूमंस के एंटरटेनमेंट के लिए. आपने देखा होगा लायन होता है, बियर होता है ना, ये सारे एनिमल्स को पकड़ के उनको ट्रेन करते हैं और उनको एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए यूज़ करते हैं. Animals are also used as samples to carry out scientific testing in laboratories around the world. Even animals जो हैं उनको laboratories में ले जाया जाता है for the scientific testing. Medicines के testing purpose के लिए animals को laboratories में भी ले जाया जाता है. You must have seen, है ना, news में भी बताता है, आपने देखा होगा. Next, now we have not done much to stop this cruelty towards animals. We can choose not to buy animal products and refuse to purchase cosmetics that are tested on animals. हमने बहुत कुछ तो नहीं किया इस cruelty को stop करने के लिए, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, हमको animal product से बनी हुई कोई भी cosmetic चीज़ें जो हैं या फिर जो उस पर test किया जाता है वो हमको खरीदना बंद कर देना चाहिए, हमको नहीं खरीदना चाहिए. We can refuse to go to circuses where animals are kept for entertaining the audience. और हमको सर्कस पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे एनिमल्स जो है उनका यूज़ लिया जाता है ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए.
we should be more sensitive towards the pain that animals undergo and should take serious action against any kind of cruelty towards animals. और हमको भी सेंसिटिव होना चाहिए, उनके पेन को महसूस करना चाहिए कि वो एनिमल्स को क्या पेन होता है जब किसी कोई उनको चोट पहुंचाता है, और इस चीज़ के लिए हमको सीरियस एक्शन लेना चाहिए अगर कोई भी क्रुएलिटी दिखा रहा है एनिमल्स की तरफ तो. नाउडेज गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड आर टेकिंग स्टेप्स एंड इनएक्टिंग लॉज टू प्रोटेक्ट एनिमल्स. आजकल जो है गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्टेप्स ले रही है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. लॉज बन रहे हैं, बहुत सारे नियम बन रहे हैं, हमको एनिमल्स को नहीं मारना है, हमको ऐसी कोई भी चीज़ें जो है यूज़ नहीं करना है जो एनिमल्स के बॉडी पार्ट से बनी हो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर, है ना. इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न्ड अबाउट एनिमल्स, वी हैव लर्न्ड अबाउट व्हाट आर द यूजेस वी हैव taken, what are the things that animals have provided to us, and also how we should be dealing with animals. हमको उनके साथ कैसे पेश आना चाहिए. We should not be cruel to animals, है ना. And we also have learned how to prevent the cruelty towards the animals. So students, the chapter is over here. If you have any doubt, just go through the chapter once, and then if you have any doubt, we will clear the doubts in our online classes. Thank you students.